हेलो, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप सब बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है। मुझे सर्दी जुकाम है और खांसी है, बुखार है मौसम चेंज की वजह से। और आज मेरा ब्लड टेस्ट जो है वो गया है होने के लिए, और भी जो टेस्ट है आज हॉस्पिटल में गई थी अपने हस्बैंड के साथ। कल रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आप सबको बता दूंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा है, बट मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ तो दो चार दिन काम नहीं चलेगा, बट बात ये है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ, इतने सारे आप सबके मैसेज में देखे, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। मैंने काढ़ा बना के पिया दो तीन दिन से, बट मेरी तबीयत तो पिछले 10-15 दिनों से ख़राब थी, लेकिन अभी मुझे इतना ज़्यादा बुखार जुकाम से मेरा पूरा गला भी, मैं हॉस्पिटल से थोड़े टाइम पहले आई और आके मैंने सोचा, मैंने इतने सारे मैसेज देखे, क्योंकि कल मैंने कम्युनिटी में डाला था कि वीडियो नहीं आएगी मेरी, कम्युनिटी में डाला था तो आपके बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टा पे, बहुत सारे लोगों ने कॉल करके मेरा हालचाल पूछा, दीदी आप कैसी हैं कैसी हैं। तो मेरी तबीयत नहीं अच्छी है, और आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो अपना थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिए, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं अभी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। दो चार वीडियो पिछले से जैसे होती है ना, बना के रखे रहते हैं तो वो अपलोड कर देते हैं, तो वैसे ही मैंने दो चार वीडियो बना के रखी थी तो दो चार दिनों से मैंने वो अपलोड कर दी, बट अभी तो मतलब ब्लॉग की कोई वीडियो मेरे पास थी नहीं। और मेरा क्या होता है ना कि मैं जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उसी दिन अपलोड कर देती हूँ, तो इस वजह से मेरी वीडियो जो है मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक में बहुत सारी रहती है, और मतलब कि चेहरे से देख सकते हैं। और आप सबका थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतने सारे मैसेज, दीदी आप कैसी हैं, दीदी आपको क्या हुआ है, और अपना ख्याल रखिए, और इतनी मतलब कि होती है ना ऐसी बातें जो एकदम दिल को छू जाए, मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि जब कोई लाइफ में अपना वैसा नहीं होता ना, जैसे कि कल एक लोग के मैं लाइव में गई, वहाँ पे उनकी मम्मी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, उनकी चाची ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास मेरी मम्मी नहीं, मेरे चाची नहीं, वैसे कोई वैसे फैमिली का वैसे सपोर्ट नहीं ना कि कैसे हो क्या हो ये दवाई पी लेना, कोई कॉल करके ये नहीं कहने वाला, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और जब आप सब ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा आप सबसे आज बातें ही तो आज थोड़ा सा आप सबसे बात कर लूं। और आज मैं रास्ते में आ रही थी हॉस्पिटल, पूजा करके आई तो देखिए टीका लगा था, तो वो टीका भी अभी सर पे ऐसे लगा, मैंने लगा लिया था, मैंने सोचा कि होता है ना दुआ, दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है, तो शायद दुआ काम आ जाए और मैं जल्दी से ठीक हो पाऊँ, जल्दी से अपने बच्ची का ख्याल रख पाऊँ, अपने हस्बैंड का ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल रख पाऊँ। तो बस ऐसे ही कोई मतलब मन वैसे घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कई दिनों से तबीयत ख़राब है। जो आप सब ने दो चार दिनों वीडियो देखी ना, वो पुरानी वीडियो थी मेरी, जैसे कि मतलब ऐसे बना के रखी रहती हैं। और थैंक यू सो मच आप सबका मेरे मेकअप वाली वीडियो को इतना भर भर के प्यार देने के लिए, और उस पर आपके कमेंट आए थे कि आप रेड साड़ी में होती तो बहुत अच्छी लगती, बट रेड साड़ी वैसी कोई उस सिल्क पैटर्न, क्योंकि वो बंगाली लुक था थोड़ा सा, तो वैसे मेरे पास थी नहीं, बट मैंने सोचा, मैंने ऑर्डर करने के लिए सोचा, बट अभी ना दो तीन दिनों से चार दिनों से फ़ोन नहीं चला रही, इंस्टाग्राम पे आप सबके इतने मैसेज भर भर के, दीदी दीदी प्लीज़ मतलब कैसी हैं क्या है, और इतने सारे आप सबके कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप सबसे थोड़ी सी बात करनी तो बनती है, वीडियो बस ऐसे ही बात वाली है, कोई कुछ खास नहीं करने वाली। हाँ, बट कल रिपोर्ट एक बार आ जाए ना कि रिपोर्ट में क्या निकला है, तो फिर उसके बाद ना दिल को चैन मिले, क्योंकि ये 2020 जो है ना, अगर थोड़ा सा भी जैसे मुझे सर्दी जुकाम, मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा डर है कहीं हाँ ये कोरोना, मतलब ये कोरोना ने ना जीना मतलब रोज़ नहीं मार रहा, मतलब रोज़ मार रहा है, एक बार नहीं मार रहा, मतलब हर समय एकदम डर लगा रहता है। और मैं अपनी बेटी से भी थोड़ी सी दूरी बना के रखी हूँ, क्योंकि
मतलब डर लग रहा है मुझे कहीं, मतलब ऐसा भगवान ना करे कि हो, मुझे ही नहीं किसी को नहीं हो, बट एक अजीब सा मतलब घबराहट है, एकदम मन बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है कि क्या हुआ है क्या हुआ है। क्योंकि मुझे लगा काढ़ा पी, क्योंकि मुझे जब भी सर्दी जुकाम होता है मैं तुलसी अदरक वाला वो काढ़ा ही पीती हूँ, ठीक हो जाता है। बट इस बार ना मतलब एक अंदर डर है अजीब सा, वो आप सब समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, मतलब कि हाय क्या होने वाला है, क्या होगा, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। जबकि मैं तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, कोई चीज़ हमारे घर आती है तो वो मतलब कि हम तुरंत यूज़ नहीं करते, सब्जियाँ मैं वो वेजिटेबल वॉश जो आती हैं, वॉश करने वाली आती उसमें धोती हूँ, हर एक चीज़ का ख्याल रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मौसम चेंज की ही वजह से हुआ है। बट एक मन में अजीब सा डर तो हो ही जाता है, तो बस उसी डर से अभी मैं जूझ रही हूँ। आई होप कि आप सब समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को। और बस पहले दांत से शुरू हुआ, दांत का दर्द तो ठीक हो गया, बट वो दांत से मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया दांत के बाद। तो बस ऐसे ही आज बैठ के वीडियो बना ली, कोई खास कोई बात नहीं थी। दांत के दर्द से शुरू हुआ इन्फेक्शन, पता नहीं कब गले में चला गया, मतलब गला पकड़ लिया और मुझे समझ में नहीं आया। और अब बस इतनी सही बातें, मतलब इतना सारा बातें ही कर ली आप सबसे, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी आके थोड़ा सा पानी से मुँह धोई और आप सबसे बैठ गई बातें करने। अब कल टेस्ट, मतलब जो ब्लड टेस्ट वगैरह और क्या क्या वो सारी चीज़ें हुई हैं उनका रिपोर्ट जो है वो कल आएगा, तो कल मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अगर भगवान करे कि सब अच्छा हो, जो डर है मन में ऐसा कुछ ना हो, बट भगवान का तो भगवान ही जाने। और थैंक यू सो मच, मैं फिर से बोलूँगी आप सबका मेरी तबीयत के बारे में पूछने के लिए, मेरे वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक आप सब ना प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ प्लीज़। और अभी अगर आपके घर में छोटे, मतलब मेरी बेटी है ना, थोड़ा सा उसे सोशल डिस्टेंसिंग अब मुझे समझ में आई है क्या होती। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, कुछ खास नहीं था। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपना ख्याल रखती हूँ और आप सब अपना बेहद ख्याल रखें, और मुझे भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और भगवान से बस थोड़ी सा प्रार्थना कर लीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो और सबके साथ अच्छा हो। ये 2020 तो किसी के साथ वैसा खास अच्छा रहा नहीं है, बट फिर भी, और अगर अच्छा फील मतलब हुआ, दवाइयाँ तो खा रही हूँ, अगर अच्छा फील हुआ तो कल वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी तो शायद ना भी आए कुछ दिनों तक वीडियो, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ हो। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, अगर तबीयत ठीक रही तो कल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, बाय बाय, और भगवान करे सब अच्छा हो।